हेलो दोस्तों, मैं यशवंत, एक पंप अपर का मैकेनिक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 एचपी के V9 ओपन वेल समर्सिबल पंप सेट के बारे में, जो कि किसान भाइयों के लिए जो है सिंचाई के लिए एक बहुत ही अच्छा पंप जो है सिंचाई की दृष्टि से मैं समझता हूं। और यदि आपके पास कोई सिंचाई योग्य भूमि जो है, बहुत ज़्यादा भूमि है, तो 10 एचपी का पंप जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है और प्रीमियम गुणवत्ता वाला पंप है। और लॉन्ग लाइफ मोटर की वारंटी जो है इसमें आपको मिलने वाली है और स्टेनलेस स्टील का इसमें यूज हुआ है और इम्पेलर और केसिंग जो है स्टेनलेस स्टील को स्टील के आपको इसमें मिलेंगे। तो इस पंप को आप बहुत ही तंग जगह में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज आसानी से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आपको इस पंप के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नीचे लाल बटन को दबा करके, साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली पंप से रिलेटेड जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू। तो देखिए किसान भाइयों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं 10 एचपी के V9 ओपन वेल पंप सेट की स्पेसिफिकेशन, जो कि किसान भाइयों के लिए सिंचाई की दृष्टि से जो है बहुत अच्छा एक पंप जो है। मैं समझता हूं कि ये पंप जो है आपको बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि ओपन वेल पंप सेट है, वर्टिकली है। और सबसे पहले इसके जो है स्पेसिफिकेशन को जान लेते हैं। तो स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये ब्रांड जो है अल्ट्रॉन का ब्रांड है, 10 एचपी का ये पंप है। SKU कोड कंपनी ने दिया हुआ है PUM OPE 5715532 6, ये इसका SKU कोड है। टाइप की अगर हम बात करते हैं तो टाइप ये ओपन वेल पंप सेट है और सीरीज ये V9 का है, जो कि आपको वर्टिकली में जो है आप इसको जो है तंग जगह में आपका चाहे इतना अगर थोड़ा सा जगह हो, आप इसको जो है ओपन वेल कहीं भी आप इसका जो है यूज कर सकते हैं। ओपन वेल में चाहे टैंक हो, जहां पे आपका पानी का स्टोरेज बहुत ज़्यादा है वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। पावर आपको मैंने पहले भी बता दिया, 10 एचपी का इसमें जो है पावर है। वाइंडिंग के अगर हम बात करते हैं तो कॉपर वाइंडिंग में आपको जो है मोटर मिलेगी, जिसमें कि आपको लॉन्ग लाइफ जो है वारंटी भी मिलने वाली है, और जो कि कंपनी ने इसमें जो है बहुत अच्छे जो है फीचर दिए हैं। तो उसके बाद आपको यदि आपको इस तरह का कोई पंप खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक मॉडल नंबर की ज़रूरत रहेगी यदि आपको इसी तरह का सेम पंप चाहिए। तो यदि आपको ये पंप खरीदना है तो आप मॉडल नंबर नोट कर सकते हैं। मॉडल नंबर इसका है UMV 13, ये इसका मॉडल नंबर है। और सबसे खास बात इसमें है कि ये जो आपके 3 स्टेजेज में है, 3 स्टेजों में ये पंप जो आपको मिलेगा, क्योंकि आज तक बहुत ज़्यादा पंप मैंने जो आपको बताया तो वो आपको सिंगल स्टेज के ही मिलते थे, सिंगल स्टेज के पंप आपके साथ शेयर करता था। और आज मैं 3 स्टेजों का पंप जो है आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपको कोई दूसरा पंप चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जा करके भी आप चेकआउट कर सकते हैं और परचेज भी जो है वहाँ से कर सकते हैं। और अगर हम इसके हेड रेंज की बात करते हैं तो हेड रेंज इसकी जो है 46 से लेकर के 35 मीटर तक जो है इसकी हेड रेंज रहने वाली है, जिसमें कि आपको डिस्चार्ज 570 से लेकर के 737 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी मिलेगा। यदि आपकी 46 मीटर का हेड रहेगा तो आपको जो है 570 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी मिलेगा। यदि आपका 35 मीटर हेड रहेगा तो आपको जो है इसमें 737 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी मिलेगा। और आउटलेट डाया की अगर हम बात करते हैं, जो साइज इसका रहने वाला है वो है 65 mm का। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो प्राइस इसका आपको रहने वाला है, ज़्यादा इसका जो है प्राइस नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये जो है आपको 36,800 में मिल जाएगा यदि आपको ऑनलाइन खरीदना है। तो मार्केट में खरीदने से जो आपको थोड़ा सा नीचे ऊपर हो सकता है, वहाँ पे फ्लक्चुएट होते रहते हैं प्राइस में। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी जरूरत है, और हमारा भी एक मैसेज कहीं ना कहीं उन लोगों तक पहुँच जाता है जिनके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली पंप से रिलेटेड जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।